नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अप्रैल 2020 के वेतन बिल बनाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि अप्रैल 2020 का बिल रिवर्ट नहीं करवाना पड़े। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमें अप्रैल 2020 का वेतन बिल बनाने से पहले ध्यान में रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। साथियों, अप्रैल 2020 का वेतन बिल बनाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा और कुछ अपडेशन करने होंगे। इसके बाद ही हमें अप्रैल 2020 का वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखते हुए बिल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात है ध्यान में रखने योग्य वो है एम्प्लॉई बजट हेड। यानी आपको पता होगा कि हाल ही में मार्च 2020 में एम्प्लॉईज के बजट हेड चेंज कर दिए गए हैं, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन वाले एम्प्लॉईज का। तो इसके लिए आप ये काम मार्च 2020 के वेतन बिल में कर चुके हों, और अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है बजट हेड चेंज करने का, तो आप अप्रैल 2020 के वेतन बिल बनाने से पहले जरूर कर लें। इसके लिए आपको नए बजट हेड के अकॉर्डिंग नया ग्रुप बनाना पड़ सकता है, या बजट हेड के नंबर आपको ग्रुप में अपडेट करने पड़ सकते हैं, या एम्प्लॉई या बजट हेड को चेंज करना पड़ सकता है। इसके लिए आप आवश्यक प्रोसेस अपनाते हुए ये कार्य जरूर कर लें अप्रैल 2020 का वेतन बिल बनाने से पहले। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है डीए रेट अपडेशन। जैसा कि आपको पता है कि राज्य सरकार ने डीए की रेट्स 12% से बढ़ाकर 17% कर दी है, और हालांकि ये नई रेट्स मार्च 2020 के वेतन बिल से ही लागू हो गई है, लेकिन किसी कारण से अगर अभी तक आपने ये रेट्स अपडेट नहीं की हो तो अप्रैल 2020 के वेतन में ये रेट्स अपडेट कर लें। डीए रेट अपडेट करने की प्रोसेस के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बात की। तो इसमें तीसरा जो पॉइंट है हमें ध्यान में रखने योग्य वो है कोरोना रिलीफ फंड की जो अमाउंट मार्च 2020 के वेतन से काटी गई थी, उस अमाउंट को एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाकर हटाना होगा अप्रैल 2020 का वेतन बिल बनाने से पहले। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। ये पॉइंट है स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड। साथ ही इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष मार्च के महीने में एम्प्लॉयज द्वारा फर्स्ट डिक्लेरेशन या फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरवाया जाता है, परंतु इस बार लॉकडाउन के चलते हो सकता है कार्मिकों द्वारा ये न भरा गया हो। तो आप अपने अंडर आने वाले एम्प्लॉयज को एसएसओ के माध्यम से फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फिलअप करने के लिए कहें, और उनके द्वारा भेजे गए फर्स्ट डिक्लेरेशन या फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें अगर कोई चेंज करवाना चाहे तो। इसके बाद एसआई से रिलेटेड जो अमाउंट है उसे आप पे मैनेजर पर एड करें या फिर अपडेट करें। ये कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्च 2020 के वेतन से लॉकडाउन के चलते एसआई की कटौती नहीं की गई थी, इस कारण हो सकता है आप अप्रैल के महीने में भी इस कटौती को ऐड करना भूल जाए, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट है सामूहिक दुर्घटना बीमा जीपीए से रिलेटेड। जीपीए से रिलेटेड अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीपीए से रिलेटेड आपको क्या एक्शन करना होगा अप्रैल 2020 के वेतन में। जिन एम्प्लॉयज ने अभी तक एसएसओ के माध्यम से जीपीए प्रपोजल नहीं भेजा है, उन एम्प्लॉयज से आपको जीपीए प्रपोजल लेना है और पे मैनेजर पर इसकी अमाउंट को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको पे मैनेजर पर बिल प्रोसेसिंग में जाकर पे डिटेल्स वाले ऑप्शन में प्रत्येक कार्मिक के ₹220 की कटौती ऐड करनी है। ये कार्य भी अप्रैल 2020 के वेतन से किया जाना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। छठा पॉइंट है जीपीएफ से रिलेटेड। साथियों, आपको बता दूं कि राजस्थान में लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 के वेतन से जीपीएफ और एसआई की कटौती नहीं की गई थी, इस कारण हो सकता है आप जीपीएफ की अमाउंट को अपडेट करना भूल गए हो। तो आप एम्प्लॉयज की रिक्वेस्ट के आधार पर अप्रैल 2020 के वेतन से जीपीएफ की अमाउंट को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सातवें पॉइंट की। सातवां पॉइंट है इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसमें आपको करना क्या होगा, अप्रैल 2020 के वेतन से आपको जिन एम्प्लॉइज का टैक्स लगना है उनका प्रोपोर्शनेट टैक्स काटना है और पे डिटेल्स में जाकर इसको ऐड करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सात पॉइंट के अलावा अगर आपके पास कोई और भी पॉइंट है जिनका अप्रैल 2020 का बिल बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।